सारण जिले में शराब के धंधे में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। दरअसल परसा थाने में दर्ज शराब तस्करी के एक मामले में पुलिस ने तरैया थाना क्षेत्र के हसनपुर बनी गांव निवासी मुकेश सहनी को पकड़ा। इसके बाद उसके मोबाइल ने सारे राज पर से पर्दा उठा दिया है। धंधेबाज के मोबाइल फोन ने जो राज उगला उसके देखने समझने के बाद पुलिस की भौहें सिकुड़ गई है। गिरफ्तार मुकेश सहनी के मोबाइल में करोड़ों रुपए के शराब के काले कारोबार का कच्चा चट्टा सामने आ गया। मुकेश ने मात्र 3 साल के समय में शराब तस्करों का अंतरराज्य और अंतर जिला सिंडिकेट बना लिया था। वहां करोड़ों की शराब की तस्करी को अंजाम दे रहा था। मुकेश का हौसला काफी बड़ा हुआ था। वो शराब की तस्करी के लेन देन एक CSP के माध्यम से बकायदा अपने बैंक अकाउंट से कर रहा था। ASP सोनपुर अंजनी कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मुकेश शराब की तस्करी के साथ साथ कच्चे स्प्रिट में रंग मिलाकर नकली अंग्रेजी शराब का निर्माण कर उसे सारण जिला सहित अन्य जिला के शराब तस्करों तक पहुँचाता था। 2 दिन पूर्व भी मुकेश ने लाखों रुपए खर्च कर तरिया बाजार पर एक आलीशान रेस्टोरेंट बनाया था। उसके उद्घाटन की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब मुकेश रेस्टोरेंट संचालन के बदले जेल की हवा खाएगा। ये परसा में 112-21 केस था, उसी के अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि इस इलाके में और इस इलाके के बाहर भी एक मुकेश शाहनी नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा बाहर से दूसरे राज्यों से शराब मंगा के तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन के उपरांत मुकेश शाहनी को कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से जो बरामद मोबाइल और अन्य जो सामग्री बरामद हुआ है उसके विश्लेषण से पता चला कि इसके द्वारा पिछले कई सालों से अवैध शराब का कारोबार बाहर के अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ मिलकर किया जा रहा है। अकाउंट से काफ़ी लंबा ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया गया है और अभी तक जो हम लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है इसका एक संगठित गिरोह बनाए हुए हैं जो इस छपरा के अलावा अन्य जिला में भी ये कार्य कर रहा है और खासकर इसका स्प्रिट बाहर से स्प्रिट मंगाना, उसका डुप्लीकेट दारू बनाना, उस रैकेट से ये जुड़ा हुआ है। अभी इस पर विशेष पूछताछ की जा रही है और इसके अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। इसके साथ और भी कई जो शराब के कारोबार जुड़े हुए हैं, सफेदपोश और अन्य लोगों का नाम भी हम लोग के सामने आया है, जिनकी जांच की जा रही है। पूर्व से इसके विरुद्ध हमारे थाना एवं अन्य थाना में मशरक थाना और मढ़ौरा में और दरियापुर में परसा में 4 केस पूर्व से ही लंबित था, जिसमें इसका अरेस्टिंग के लिए ये भागा चला था।